को हमारे YouTube चैनल CRPF इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज और साइंस रिलेटेड कुछ सवाल लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो रेड कलर का आइकन दिया है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरा नया नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भटिंडा में स्थापित की जा रही है। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी भटिंडा में स्थापित की जा रही है। दोस्तों, भटिंडा पंजाब में पड़ता है। अगर पूछ दे भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो जामनगर में है। दोस्तों, जामनगर गुजरात में पड़ता है और बॉम्बे हाई का संबंध भी तेल रिफाइनरी से है, जो मुंबई में पड़ता है। आइए दोस्तों, अगला दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, तथा मोहनजोदड़े का खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था। ये दोस्तों, अगला तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। दोस्तों, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तथा महावीर के पिता का भी नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध जो थे शाक्य राजवंश के थे। आइए आगे चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आधुनिक देवनागरी लिपि के प्राचीन रूप क्या है? तो इसका आंसर ब्राह्मी हो जाएगा। दोस्तों, ब्राह्मी आधुनिक देवनागरी लिपि के प्राचीन रूप है। अशोक का शिलालेख दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। आइए अगला पाँच नंबर सवाल देखते हैं। दोस्तों, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीता था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासनकाल में सबसे पहला युद्ध सिंध और पंजाब के विरुद्ध लड़ा और जीता। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य नंदों को हरा कर उस पर अधिकार कर लिया। आइए दोस्तों, आगे छः नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो अवंतिका नाम था। दोस्तों, उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। चंद्रगुप्त द्वितीय उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था। आइए अगला सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? तो आइए एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दोस्तों, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो महायान शाखा का था। दोस्तों, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया था। बौद्ध धर्म के दो शाखा है, महायान और हीनयान। आइए अगला आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, उत्वी किसके दरबारी इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था। दोस्तों, उत्वी जो था मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। दोस्तों, फिरदौसी मोहम्मद गजनी के दरबार में रहता था, जिसने शाहनामा का रचना किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, मुगलों की अदालत में कौन सी भाषा थी? तो मुगलों की अदालत में दोस्तों फारसी भाषा थी, जो 7 मार्च 1835 को इसके स्थान पर इंग्लिश कर दिया गया था, मतलब कि अंग्रेजी कर दिया गया था फारसी को हटाकर 7 मार्च 1835 को। आइए दोस्तों, अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं एवं शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 में हुआ। दोस्तों, चौसा के युद्ध में विजय चौसा के युद्ध के विजय के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण किया था। हुमायूं को इस युद्ध में हारने के बाद 1540 ले 1555 ईस्वी तक करीब 15 वर्ष तक घुमक्कड़ की जिंदगी जीनी पड़ी थी। आइए दोस्तों, अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। दोस्तों,
अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। आइए अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? तो विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है दोस्तों। जैसे यूएसओ को 7 समय जोन में विभाजित किया गया है, ऑस्ट्रेलिया को 3 समय जोन में विभाजित किया गया है, तथा रूस को 11 समय जोन में विभाजित किया गया है, और अपने भारत को 1 समय जोन में विभाजित किया गया है। आइए अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो 7 हो सकती है दोस्तों। आइए अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण भी होती है दोस्तों। प्रत्येक स्थान पर ज्वार 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पर आता है। आइए अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयनमंडल से परावर्तित होती है दोस्तों। दीर्घ रेडियो तरंग जो है पृथ्वी की आयनमंडल से परावर्तित होती है। रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी पर पहुंचने में 500 सेकंड का समय लगता है, 8 मिनट और 20 सेकंड का। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में दोस्तों, सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में स्थित है, तथा सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला है जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है। आइए दोस्तों अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट है दोस्तों। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है, तथा बिहार का मैदान का ढाल 5 से 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है। आइए दोस्तों अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पटना गोलघर की स्थापना किसने की? तो जॉन गोस्टिन ने की दोस्तों, पटना गोलघर की स्थापना जॉन गोस्टिन ने की दोस्तों। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में गोलघर का स्थापना किया गया था। गोलघर का अनाज रखने के लिए बनाया गया था दोस्तों। आइए अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में संचित रहता है दोस्तों। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यकृत से दोस्तों पित्त स्रावित होता है। आइए अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? तो बक्सर जिले में है दोस्तों। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। चौसा जो है करमनासा नदी के तट पर स्थित है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है दोस्तों। भारत के महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 88 के अंतर्गत जो महान्यायवादी है, संविधान के अनुच्छेद 88 के अंतर्गत वह किसी भी सदन में बोल सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है दोस्तों। आइए अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है दोस्तों। राष्ट्रपति पद की अवधि 5 वर्ष होती है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है जो संविधान के अनुच्छेद 56 एवं 61 में है। लेकिन दोस्तों महाभियोग के लिए मात्र एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 के 1 में उल्लिखित है, और वह है संविधान का अतिक्रमण। आइए दोस्तों आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो दोस्तों रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। आइए दोस्तों अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है?
तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया है दोस्तों। तांतिया कंस्ट्रक्शन जो है एक कंपनी है जिसके साथ बिहार सरकार ने पुल सड़क निर्माण के लिए अनुबंध किया है। आइए अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कटिहार है दोस्तों। जूट के उत्पादन में बिहार का कटिहार जो जिला है वह अग्रणी है, मतलब कि आगे है। जूट को सोने का रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। जूट के रेशों के सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। कुल 35% सामानों का निर्माण भारत अकेले करता है। सबसे ज़्यादा भारत में जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, 26 नंबर। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो आरा से नेतृत्व किया था दोस्तों। आरा के जगदीशपुर क्षेत्र से बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर किए थे दोस्तों। झांसी से 1857 का नेतृत्व लक्ष्मीबाई की थी। कानपुर से नाना साहब किए थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल किए थे। आइए दोस्तों अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? APJ अब्दुल कलाम इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। APJ अब्दुल कलाम नवनिर्मित यानी नया जो निर्मित हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर बनाए गए हैं। आइए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो दोस्तों 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। आइए दोस्तों अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का साक्षरता दर कितना है प्रतिशत में दोस्तों? तो बिहार का साक्षरता दर 47.53% है दोस्तों। यह 2001 के जनगणना का डाटा दिया गया है दोस्तों। बिहार का साक्षरता दर 2001 में 47.53% था, लेकिन 2011 में बिहार के साक्षरता दर 61.8% हुआ है, तथा जिसमें पुरुष साक्षरता दर बिहार के 71.2% तथा महिला साक्षरता दर 51.5% है। भारत में सबसे कम पुरुष तथा महिला साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, तथा देश में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल का है 94%। आइए दोस्तों अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह का बचपन का नाम दोस्तों फरीद था। शेर शाह सूरी जो था अफगान वंश का था, जो सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था। शेर शाह का जन्म 1472 में होशियारपुर में हुआ था दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।